भाई कल आपसे मैंने वीडियो शुरू की थी। जी। मैंने आपको बोला था कि रेट जो है सच बताना। जी हाँ बिल्कुल ठीक है बोला था। सही है। फिर मैंने वीडियो बनाई थी आपसे। जी आपने वीडियो में रेट क्या बताया? 25। जो कि सच नहीं है। मुझे रेट नहीं बताना, असली रेट नहीं बताना। मेरी मालिक से बात हो गई है, ठीक है ना? मेरी मालिक से बात हो गई है। लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आवाम जो है बड़ा गुस्सा है। सुनो मेरी बात। जी आवाम जो है बहुत गुस्सा है। उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी व्यापारी के पास जाना, उसको बोलना कि भाई अगर आप असली रेट नहीं बता सकते ना तो फिर झूठ भी ना बोलो। मेरी बात सुनो पहले मेरी बात। अच्छा। क्योंकि मैंने जब इंटरनेट पर लगाया, मुझसे पहले भी लगा चुके थे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझसे पहले लगा चुके होंगे 25 लाख रुपये तो मैं लगा दूंगा। सही है। तो मैंने वही करा, मैंने 25 लाख रुपये लिखा, ठीक है ना? उसके बाद आवाम ने भाई जो असली जिस भाई ने खरीदा ना, उन्होंने मुझे तस्वीर भी दिखाई। वही भाई थे ना, चड्ढा पहना हुआ था और दो जानवर यूं लेके खड़े हुए थे। हाँ, एक काली शर्ट में सफेद शर्ट। भाइयों का नाम उन्होंने मुझे मना करा, भाइयों का नाम भी मना, उन्होंने मुझे असली रेट भी बता दिए। लेकिन उन्होंने बोला कि किसी को बताना मत असली रेट, भाई कुर्बानी का बात है जो साफ बात। असली रेट भी असली रेट ये नहीं है। मेरी बात बस, मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरी जान बस ये है कि आइंदा अगर कोई भी आता है ना, तो अगर आप अगर आप सच नहीं बता सकते ना, देखो 100 बातें 100 मुंह 100 बिल्कुल बिल्कुल जो साफ बात है। लेकिन समझा जो बच्चे में जो लेने वाले, चलो यार अभी इस बात को खत्म करने, बात खत्म करनी है भाई। आप ही भाई हो, आप ही माशाल्लाह से यहाँ पर रिस्क कमाने आए हो, ठीक है ना? जो साफ बात है आप भी ऐसे ही, हमने यही बताया। चलो बस ठीक है, आप हमारे साथ कोई पार्टनर तो नहीं है, बिल्कुल किसी का माल है तो नहीं। बिल्कुल 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 बस सेट है। मैं आपको यही कहना चाह रहा था भाई, आवाम ने मुझे यही कहा था कि भाई व्यापारी भाई को वीडियो में ले आना, उनको बोल देना। आप अभी भी कायम अपनी जबान पे ना? जी बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। जज़ाकअल्लाह भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये सीन था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई, कि बहुत आवाम बोल रही थी कि भाई 25 लाख का नहीं हुआ, 11 लाख का हुआ है ना, 25 लाख का हुआ है ना 11 लाख का हुआ है। जैसा कि मैंने बताया भाई, ऑनर का मेरे पास हुआ फजर के वक्त 5:06 पे, जो मैंने स्क्रीन शॉट लगाया जब सुबह उठा हूँ नमाज जुम्मा के लिए, तो 5:06 पे मेरे पास स्क्रीन शॉट आया हुआ था। वो मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर, अलग करे हुए थे भाइयों ने, और दो भाई हैं मेरे ख्याल से मेरे शायद वो, और दोनों तस्वीरें उन्होंने भेजी जो मैंने आपने स्क्रीनशॉट में लगाई। लेकिन मैं उनका फेस ब्लर कर दिया, उन्होंने कहा था कि भाई ना हमारा नाम आना चाहिए और ना हमारा पैसे आना चाहिए जितने कि हमने बनाई है। तो भाई मैंने बोला जैसे भी अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। तो ये कहानी थी भाई अब तक की। मैंने तो सौदा दिखाया है कि भाई मंडी का पहला सौदा हुआ है और बकौल व्यापारी के इतने का हुआ है, लेकिन वो असली रेट नहीं थे। लेकिन वो मंडी का सौदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और असली में सौदा हुआ है इंशाल्लाह। उम्मीद है 10 से 15 दिन के अंदर, यह हो सकता है उससे भी पहले पहले भाई जो है वो इन भाई से उठा ले। और टोकन भी असली में करा है भाई, अच्छा खासा टोकन करा है, इतना तो मुझे कन्फर्म है। मेरी भाई से बहुत अच्छी बात हुई है। तो यही सारी कहानी है भाई, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करें। अगर कोई गलती कर जाता है इंसान, तो उसको फिर ये नहीं है कि अगर आप गालियाँ दे रहे हैं और बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझा प्यार मोहब्बत से भी समझाया जा सकता है, ठीक है ना भाई? तो अभी तो शुरुआत हुई है सीज़न की, मुझे पता है अभी तो बहुत चीज़ें देखनी है मुझे। और अगर मेरी जगह कोई और होता ना, बेचारा घर पर बैठ गया था, मैं पेज बंद कर देता। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा पढ़ के फौरन मंडी में आया। मैंने सबसे पहले इस भाई के साथ वीडियो बनाने, जो इतने भाई बोल रहे थे ना कि भाई व्यापारी का सॉफ्टवेयर अपडेट करो, व्यापारी का सॉफ्टवेयर अपडेट करो। तो ये कहानी थी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जो सच था मैंने दिखा दिया, मेरा काम है सच दिखाना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई? जज़ाकअल्लाह।